हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियो से अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ मेरे माइक का, जो है बोया BY-M1 का माइक। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इनबॉक्स आपको क्या क्या मिलता है, इसका ओरिजिनलिटी कैसा चेक कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं, और थर्ड इस माइक का मैं परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाला हूँ अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग सराउंडिंग्स में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम इस माइक का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इनबॉक्स हमें क्या क्या चीजें मिली है वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना कर रखा था जब मैं इसे अनबॉक्स कर रहा था, तो चलिए वो वीडियो देख लेते हैं, प्लस ओरिजिनलिटी मैंने कैसे चेक की वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइज, आप देख सकते हो इस पार्सल को मैंने अमेजोन से मंगा कर रखा हुआ था पहले से ही, और इसको ओपन करते वक्त मैंने एक वीडियो बना लिया था क्योंकि मुझे पता था इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो डालूंगा। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं प्रॉपरली। तो गाइज, आप देख सकते हो इस बॉक्स को, बहुत ही कूल दिख रहा है ये बॉक्स। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग है पहले से ही, बैक साइड में स्पेसिफिकेशन है सारे। इसे ओपन कर लेते हैं हम इस माइक को, और आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे लेदर का पॉकेट मिल जाता है आपको, जो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है आपके माइक को, प्रॉपरली रखने के लिए काम आता है आपको। तो हम निकाल लेते हैं इसे बाहर, कुछ कागजात देख लेते हैं पहले कि हम यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ है और उसके बाद वारंटी कार्ड दिया हुआ है, तो इसे हम अंदर रख लेते हैं वापस से। तो चलते हैं बेस्ट पार्ट की तरफ, माइक की तरफ। अभी माइक में और भी एसेसरीज दी हुई है उस लेदर पॉकेट के अंदर, जैसे कि वहाँ पे क्लिप है, माइक का कवर है, और एक एक्सटेंडेड जैक है जो आप किसी बड़े एम्पलीफायर में डाल सकते हो, और उसके अंदर बैटरी भी थी। यहाँ पे दो स्विच मोड्स है, एक कैमरा और एक स्मार्टफोन। कैमरा पे आप स्विच कर सकते हो और यहाँ पे वो बैटरी यूज़ करने लगेगा आपके माइक का, और अगर आप स्मार्टफोन पे यूज़ करते हो तो आप स्मार्टफोन पे आपका बैटरी यूज़ नहीं होगा माइक का। तो यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं हमारे माइक को। इस माइक की खास बात ये है कि इसका वायर जो 30 meters लॉन्ग देता है और आपको लॉन्ग रेंज देता है आपको वॉइस कैप्चर करने के लिए, प्लस इसका जो माइक है वो सराउंड वॉइस कैप्चर करता है, जैसे कि आप किसी भी साइड से बोलो वो प्रॉपरली कैप्चर करेगा और क्लियरली कैप्चर करेगा। ये माइक वर्थ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके प्लीज़ बाय कीजिए अगर आपको अपनी वॉइस अच्छे से कैप्चर करवानी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमारा बोया का माइक ओरिजिनल है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्टीकर है, आप देख सकते हो कि मैं इसे वेट क्लोथ से रब कर रहा हूँ, वहाँ पे पहले से एक बोया लिखा हुआ था वाइट में, अब वेट क्लोथ से पोंछने के बाद वो बिल्कुल गायब हो चुका है। आप सेम चीज़ किसी डार्क इंक के साथ कर सकते हो, अगर आप उसे इंक घुमाते हो तो बोया जो वहाँ पे वाइट लिखा हुआ रहता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये एक ओरिजिनलिटी है स्टीकर चेक करने का। फिर आप इस स्टीकर को निकाल कर आप उसके अंदर का बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। उस बारकोड को स्कैन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे आप इस बारकोड को स्कैन करोगे आपको एक 16 डिजिट का सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा, उस कोड को आपको बोया के वेबसाइट पे पेस्ट करना है। उस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे आप इस कोड को बोया के वेबसाइट पे पेस्ट करोगे बोया आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। तो गाइस, अभी तक हमने देख लिया है कि हमें इनबॉक्स क्या क्या चीजें मिली है और हमने इसका ओरिजिनलिटी चेक कैसे किया है। तो चलिए चलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारे इंडोर सराउंडिंग से, जहाँ पे फिलहाल मैं अभी करंटली शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं माइक निकाल देता हूँ। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप माइक लगा के बात करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आपने क्लियरली सुन लिया है कि कैसा फर्क आता है विद माइक और विदाउट माइक, और ये माइक कितना ज्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है। अब हम चलते हैं बाहर की सराउंडिंग में। जैसे कि मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं जो व्लॉग क्रिएट करते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट माइक होगा। व्लॉग से याद आया, आप मेरे फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो है चुंडी व्लॉग्स करके। उसके चैनल पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, जैसे कि मुंबई की चीपेस्ट मार्केट से लेके मुंबई की ब्यूटीफुल प्लेसेस तक। अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे आगे के वीडियो की तरफ। तो चलिए चलते हैं आउटडोर शूट के लिए। तो गाइज, हम हमारे आउटडोर लोकेशन में पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल मैं एक रोड पर खड़ा हूँ, पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है बट तो भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए अगर चाहिए तो मैं माइक निकाल देता हूँ। तो अभी आप आवाज़ चेक कर सकते हो बिना माइक के कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। बिल्कुल थोड़ी सी सराउंडेड आवाज़ आ रही है और बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही है। मैं वापस से एक बार प्लग इन कर लेता हूँ अपना माइक और अभी आप सुन सकते हो मुझे, वापस से क्लियरली सुन सकते हो आप। तो आपने खुद देख लिया कि इस माइक को यूज़ करने से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी वीडियो में। तो आप इस माइक को यूज़ कीजिए, और ये बजट माइक है, अराउंड 700-800 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे अपडेट्स आपको आते रहे। तब तक के लिए बाय। Yeah.